कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दिक्कत तो ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पेस्टिसाइड की हो रही है। किसान को जो दवाई 3,000 रुपये लीटर मिलनी चाहिए वो 4,000 रुपये लीटर मिल रही है। तो ये तो दुकान वाले ही लूट रहे हैं किसानों को, पहली समस्या यही है। उसके बाद जिसको बिचौलिया बनाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो अब साइड में हो गया, और जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है अब वो सामने आ गए। तो किसान तो जो प्रॉपर जिससे साल भर से जुड़ा है या पिछले 10 साल से जुड़ा है तो उसके पास जाएगा, तो वो साइड में बैठ गए हैं। वो अब दिल्ली और भोपाल से आ रहे हैं अधिकारी, पहली प्रॉब्लम ये। तो एक और ये कि आपने सैंपलिंग का बोला नहीं कि सैंपलिंग का ही पैसा लगेगा, तो रीसैंपलिंग करवा रहे हैं तो उसका भी पैसा ले रहे हैं 5,000-7,000 रुपये किसान से। ये पहले खुलासा नहीं किया, आपने कॉन्टेक्ट किया तो उसकी कोई स्लिप नहीं दी किसान को, कोई पर्ची नहीं दी किसान को, सैंपल फेल कर दिए। जब रेट अच्छा आया था धान बेचने के लिए किसान को, उस टाइम पे आपने धान नहीं खरीदी, अब रेट लूज हो गया, अब धान खरीदने के लिए आ रहे हैं, और जिन किसानों का सैंपल फेल हो गया वो तो बर्बाद है ना सर। आपने अपने मनमाने ढंग से तो पेस्टिसाइड का पैसा ले लिया जी, 10 रुपये की दवाई आपने 15 रुपये में दे दी, और किसान को जहाँ फायदा मिलना था वहाँ आपने धान नहीं खरीदी। तो ये प्रॉब्लम है सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेरे हिसाब से तो कहीं से कहीं तक भी लागू नहीं होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को मंडियाँ हमेशा चालू रखनी चाहिए, तभी किसानों का भला होगा। बाकी इसमें तो सर बहुत घाटा है और बहुत धोखा भी है। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के पिपरिया मंडी में, जहाँ पर आसपास के करीब 6 से 7 जिलों के किसान यहाँ पर आकर अपनी फसल बेचते हैं, और इस क्षेत्र और यहाँ की रोज़ाना 1500 से 1600 ट्रकों का आवक यहाँ हमेशा रहता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पे नए कानून के आने के बाद बड़े पैमाने पर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत किसानी कर रहे हैं, और कुछ बड़ी कंपनियाँ दिल्ली की यहाँ पर किसानों से सीधा माल खरीदती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में किसानों ने कंप्लेन की है कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उनसे उनका फसल खरीदने से मना कर दिया, वजह या तो रेट की हो या तो फसल में किसी तरह की ख़राबी की हो। लेकिन किसानों का कहना है कि पिछले 3-4 महीनों में उनके ही कहने पर जितनी भी चीज़ें, जो खाद उन्होंने कहा उन्होंने वो लगाया, जो फसल उन्होंने कही वो लगाया, और जब आज फसल तैयार है तो कंपनी लेने से मना कर रही है। यहाँ पिछले 3-4 वर्षों से फॉर्चून राइस लिमिटेड दिल्ली और एक सिटी कंपनी अनुबंध करके जो दवा विक्रेता हैं उनके मार्फत किसानों से संपर्क करके धान खरीदती है, और उनके स्वयं के रसायन प्रतिबंधित कर स्वयं के रसायन रहते हैं वो हमारे को धान में डालना पड़ता है, और उसके बाद वो हमारी धान खरीदते हैं, जिसमें लीड में वो मंडी रेट जो रहता है उसका अधिकतम, मंडी रेट का अधिकतम रहता है, उससे 50 रुपये ऊपर हमारी धान खरीदते हैं। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई कागज़ देते हैं, कुछ है आपके पास दिखाई? नहीं, कागज़ के तौर पे थोड़ा हमारा किसान का पक्ष थोड़ा कमज़ोर है, कागज़ के तौर पे हमारे पास सिर्फ ये दोनों पेपर रहते हैं, एक ये पेपर रहता है और एक ये पेपर रहता है, इसमें जो प्रतिबंधित दवा है उनके बारे में वर्णन रहता है, और दूसरे में धान में कैसे क्या उसका उत्पादन करना है और कैसे विक्रय के समय वो खरीदेंगे इसकी जानकारी रहती है। कानूनी पक्ष हमारा इस मामले में कमज़ोर है। तो मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लीगली नहीं होता? लीगली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। कंपनी के किसी भी जो फील्ड पे काम करते हैं या शीर्षतम अधिकारी जो निदेशक हैं उनके कोई सिग्नेचर हमारे पास अवेलेबल नहीं रहते। जो लोकल डीलर होते हैं हम उन्हीं को जानते हैं। बाय द वे, अगर कंपनी कहीं चली जाती है तो किसान उसका पैसा कहाँ लेने जाए? पिछली साल मैं था, एक मतलब तो साहू करके था और एक और था वहाँ का पिपरिया का, वो 2 साल से अच्छी बढ़िया तरीका से खरीद रहा था और कुछ गांव के लोगों से धोखाधड़ी का केस करके और वो चला गया। कितने का फसल लेके चला गया? वो 30,00,000 रुपये के करीब में धोखाधड़ी की थी उसने, मंडी से बाहर बेचा। हाँ, मंडी से मतलब चेक मैक तो दिए थे उनके लिए, लेकिन वो भी वोसे वाले नहीं है, थे लीगल टाइप में थे वो, इस कारण से जी। पिछले वर्षों में यहाँ मेरे खुद के गांव में पचलावरा में ऐसे 4-5 किसान हैं, एक व्यापारी यहाँ पे आए, एक साल उनने माल खरीदा मान लीजिए 30 लाख का और पूरा भुगतान किया,
और दूसरे साल उनने 70 का खरीदा और वो भाग गए। वो किसान आज भी पीड़ित हैं, आज भी परेशान हैं। आप कहेंगे तो हम उनको अभी भी यहाँ बुला सकते हैं। और वो जो व्यापारी हैं, वो उनको उनकी FIR हुई, वो जेल चले गए, आज बाहर छूट के घूम रहे हैं, लेकिन मेरा किसान आज भी परेशान है। उसको उसकी पूरे साल की फसल वो व्यापारी खा गए। मेरे पास 30 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 21 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट क्या था, ज़रा कुछ बताएंगे? एग्रीमेंट था कि मैं जो दुकान वाले हैं उनसे, उनके थ्रू दवाइयाँ लूँगा और उन्हीं के कहने पर जो बोलेंगे वो उसी तरह का केमिकल डालूंगा जो कंपनी ने उनको सजेशन दिया है। और कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे, कागज़ के तौर पे क्या मिला आपको? कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे एक कागज़ मिला है मेरे को, सिर्फ दुकानदार का नाम लिखा है और उसमें सिर्फ मेरे साइन है। अच्छा, बाकी किसी का साइन नहीं है, बस नाम अकेला लिखा है, अशोक सोडानी, एग्रो सर्विस सेंटर पिपरिया, और उनका मोबाइल नंबर है। अच्छा। और कुछ उनकी शर्तें हैं इसमें। अच्छा, तो और इसके अलावा क्या बताया गया था? इसके अलावा एक कीटनाशक दवाई का एक स्लिप है और उसी के पीछे एक लुभावना ऑफर है जिसमें बताया है कि इतने की दवाइयाँ लोगे तो अपने पास एक कुछ चीज़ फंसेगी, जबकि मैंने लुभावने ऑफर के तहत कुछ भी पैकेज नहीं लिया है। ठीक है, और इसी के कारण से मेरा सैंपल कैंसिल क्या हुआ है? अब उसी पे आते हैं, क्या हुआ अब ये बताइए कि आपने उगाया उनके बोलने पर 21 एकड़ में, उसके बाद फसल जब काटी फिर क्या किया? उनके कहने पर जो दवाइयाँ उनने बोला था, वो तो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, जहर मुक्त खेती के फेवर में हूँ मैं, इस कारण से मैंने कम से कम दवाइयाँ डालकर अपनी धान पकाई है जिससे कि जहर मुक्त हो सके और कम खर्च में, ताकि उनके ऑफर तो बहुत थे और बहुत बड़ा पैकेज था। ठीक है, तो क्या कोई जांच के लिए भी आता था खेत देखने के लिए? हाँ, खेत देखने के लिए उनके एजेंट थे, वो बार बार आते थे और उन्हीं के सामने अपनी दवाइयाँ हम लोग डालते थे जो वो बोलते थे। खरीदी वो गांव आके धान परचेस करते हैं, उसके बाद उनकी लैब में ले जाते हैं, उसकी जांच करवाते हैं। जांच में जो प्रतिबंधित केमिकल हैं अगर वो आ जाते हैं तो वो सैंपल हमारा कैंसिल हो जाता है, और अगर जाँच में हमारा धान पास हो गया तो वो खरीदी कर लेते हैं। इस बार से हमको थोड़ी दिक्कतें आ गई। सैंपल फेल कर दिया। क्या आया? सैंपल फेल कर दिया। अच्छा, हाँ, तो उसकी रिपोर्ट दी थी आपको? रिपोर्ट नहीं दी। तो क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे का ये आपके माने एक बार की त्रुटियां हो गई होंगी, थोड़ी गलतियां, तो डबल से सैंपल ले गए और फिर से सैंपल को माने उन्हें बताया कि आपके में थोड़े केमिकल्स गलत डल गए। आपने रिपोर्ट मांगी? हाँ, रिपोर्ट मांगी। दिए? नहीं दी। फिर क्या किया? फिर बोलने से का बोल रहे थे। हाँ, फिर से बोल रहे थे कि आप फिर से आप करो टेस्टिंग करवाओ। हाँ, तो उसके लिए पैसा भी मांगे? हाँ, पैसा मांगा कि 8,000 रुपये आप खर्च करोगे। हाँ, तो सैंपल की दोबारा जांच करवा के आपको। अच्छा, जब गर्दन तोड़ आया, एक रोग आया, जब हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया कि भाई हमारे धान में गर्दन तोड़ आ गया है, तो आसपास माहौल थोड़ा गड़बड़ था कि बायर कंपनी का हमने जो एग्रीमेंट किया था और बायर कंपनी के जो लोग दवाइयाँ डाल रहे थे उनकी धान सूख रही थी दवाई डालने के बाद, तो हमने भी उनसे संपर्क किया क्या हम कौन सा डोज डालें, हमको दवाइयाँ बताएं, तो उनने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने व्हाट्सअप भी किया और व्हाट्सअप करने के बाद उनने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने क्या किया कि जब मालूम चला कि भाई दवाई डालने से ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो मैंने दवाई नहीं डाली, सिर्फ एक स्प्रे किया था। अब जब आपने फसल काट ली तो फिर क्या हुआ? फसल काटने के बाद जब सैंपल जाना था मेरा उसमें जांच के लिए, तो पहले तो सैंपल नहीं गया, मैंने दुकान वालों से संपर्क किया, उसके बाद सैंपल किया, सैंपल गया जांच के लिए, तो उसमें कुछ जहर का बताया जो मैंने डाला ही नहीं था खेत में और उसने सैंपल कैंसिल कर दिया था। उसके संबंध में हम लोगों ने, बहुत से किसान थे प्रताड़ित, उसके लिए हमने SDM न्यायालय में एक आवेदन लगाया इसके लिए कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट है और उसके तहत धान नहीं खरीद रहे हैं। फिर SDM साहब ने क्या कहा? SDM साहब ने दोनों पक्षों को सुलह करने के लिए समय दिया और उसमें सुलह नहीं हुआ, और कंपनी वाले जो भी अधिकारी उनको बुलाया और उस पर दोनों की सुनवाई की, उनका पक्ष भी सुना, हमारा पक्ष भी सुना, और जो 11 तारीख में हम लोगों ने उचित रेट था
उसमें हम सौदा करना चाहते थे, उसमें ने आनाकानी की सौदे करने में उसी रेट पर। यानी कि जिस दिन रेट ज़्यादा थी उस दिन इन्होंने सौदेबाजी नहीं की, हाँ, और जिस दिन सस्ता उस दिन लेना चाह रहे थे। हाँ, उस दिन नहीं, वो तो मना कर रहे थे कि हम नहीं लेंगे, आपका धान अच्छा नहीं है। तो कितनी बार टेस्टिंग हुई थी? हमारी एक बार टेस्टिंग हुई थी। आपसे क्या पैसा भी मांग रहे थे टेस्टिंग के लिए? दूसरी बार अगर टेस्टिंग जाते हैं तो उसके लिए 8,000 रुपये का बोल रहे हैं कि 8,000 रुपये खर्च करें, मगर ऐसा कहीं भी अनुबंध में नहीं था कि हमको टेस्टिंग का खर्च देना पड़ेगा या हम खुद को टेस्टिंग करानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा था, वो पहले कभी बताया नहीं था। सर, नए कानून में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, विगत ये मेरे ख्याल से 34 साल है हमारे यहाँ पर, पिछले 3 साल तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई लोगों को, फिर भी कुछ लोगों के सैंपल फेल हुए थे। इस बार लेकिन देखने में आया सर, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, लगभग 40% हमारे गांव के लोगों के सैंपल इन लोगों ने फेल कर दिए हैं और ख़रीदने से धान मना कर दिए। तो कुछ किसान SDM साहब के यहाँ गए तो SDM साहब ने निर्णय तो दिया, लेकिन मुझे लगता है अगर ये दिल्ली में अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होती तो शायद इतने जल्दी इन लोगों को न्याय मिलता भी नहीं। जी तो इसके अलावा और क्या समस्या? एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं आप, दूसरा जो किसान बाहर बेच रहे हैं मंडी से बाहर, उनका क्या हाल है यहाँ पर? सर, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये 3 जो कृषि नए अध्यादेश आए हैं, हाँ, उसमें एक डर ये भी है APMC को ख़त्म करने का मंडी का, हाँ, तो वास्तव में लग रहा है कि मंडी उसमें निश्चित रूप से बंद हो जाएंगी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर, अभी मंडी में बहुत कम आवक है धान की, अधिकांश धान तो कंपनियां घर से ही खरीद रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या नुकसान है? वो तो और घर से उठा के ले जा रहे हैं तो अच्छी बात है वो तो। नहीं सर, अब इसमें ये इसी तरह की डर है, आगे चल के ये दिक्कतें आ सकती हैं। मंडी कंपनी अच्छा माल खरीदेगी, अगर थोड़ी बहुत कमी आएगी किसान के माल में तो कंपनी खरीदेगी नहीं, है ना। और इसमें सर भुगतान की भी डर रहता है हमको, भुगतान का। सर, पिपरिया में कुछ मामले आए थे किसानों के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग को लेकर के, क्या मामला था थोड़ा सा बताएं? इसमें 10 दिसंबर को एक कृषक आए थे, 2 कृषक आए थे, उन्होंने शिकायत की थी कि उन्होंने फॉर्चून कंपनी से धान खरीदी का अनुबंध किया था और जब भाव उच्चतम थे तब कंपनी ने एम्प्लॉय ने फ़ोन नहीं उठाया, ऐसी शिकायत की थी। हमने कंपनी के कर्मचारी को समन किया, डायरेक्टर स्वयं उपस्थित हुए, दोनों पक्षों को सुना गया और उनको सुनने के बाद में फैसला दिया गया कि उस दिन का जो उच्चतम मूल्य था 3,050, वो उस पर वो धान क्रय करें, और उन्होंने धान क्रय करी। हमारे से जो चर्चा हुई थी SDM साहब से, तो हमने उनको यही कहा था कि भाई हम जो रिजेक्ट हो चुके हैं उस धान को खरीदने का, हमारी कंपनी की कहीं दूर दूर तक पॉलिसी नहीं है, और हमने अगर मान लीजिए किसी वजह से रिजेक्ट धान खरीद लिया तो जो हमारे जहाँ विरोधी हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम यहाँ काम ना करें, उनके लिए गुद्दा बन जाएगा। क्योंकि अगर मैंने कोई धान खरीद लिया और मेरे जो आगे प्रिंसिपल हैं जिनको मैंने सप्लाई करना है, अगर वो ये प्रूव कर देते हैं कि रिजेक्ट धान भी हम खरीद रहे हैं, तो क्योंकि धान के ऊपर कहीं लिखा नहीं होता वो रिजेक्ट है या फिर वो सिर्फ टेस्टिंग से है, तो वो उनको एक और हथियार मिल जाएगा। तो हमने SDM साहब मोर्चे को यही कहा था कि हम लोकल किसी से टाई अप करके उन किसानों को धान बिकवाने की कोशिश करेंगे और जो उचित से उचित दाम होगा वो दिलवाएंगे। पिछले 2-3 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है और उसमें भी आधे किसानों को तो हर साल घाटा लगता ही लगता है। कैसे? ऐसे सैंपलिंग है, जिसकी पास हो गई तो उसको फायदा है, जिसका सैंपल फेल हो गया वो तो दोनों तरफ से जाता है ना सर, क्योंकि मंडी में धान लेके जाता है या माल बेचता है तो उसको उचित रेट भी नहीं मिलता, और रेट के लिए आपसे कांटेक्ट किया और आपने सैंपल फेल कर दिया, उसको तो घाटा है ना, और दवाइयों में घाटा लगता है उसको।